अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे। तो मॉनसून का सीजन चल रहा है, मैंने सोचा मैं आपके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है और दो मीडियम आलू ले लिए। और आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया, कद्दू क्रश कर लिया बिल्कुल बारीक, और प्याज बारीक काट ली है। और अब इसमें मैंने एक टेबल स्पून भर के धनिया बारीक काट के ऐड कर दिया है। इसके साथ हम इसमें बारीक कटा हुआ पालक ऐड करी हूँ। ये बेसिकली मैं वेज पकौड़ा बना रही हूँ, हमारे घर में यही पसंद किया जाता है। और इसमें मैं पकौड़ा मसाला ऐड कर रही हूँ। इसमें शामिल है साबुत धनिया बारीक कटा हुआ, जीरा, मेथी, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, ये सब ऐड है। इस मसाले में पकौड़ा मिक्स ये बना हुआ है। और इसमें अब मैंने एक टीस्पून भर के नमक ऐड कर दिए और दो टीस्पून भर के मैं ये मसाला ऐड करी। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, मुझे जितना मुनासिब लगा मैंने इस क्वांटिटी में ऐड कर दिया। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी और फिर उसके बाद इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मसाले में ऐड की। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। पहले मैं दो टेबल स्पून बड़े वाले जो चम्मच होते हैं उनको भर के दो मैं ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। हमने बेसन इतना ऐड करना है कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं अच्छी तरह से बेसन से कोट हो जाए और हमारा स्मूथ सा एक अच्छा सा पकौड़ा मिक्सचर तैयार हो जाए। अभी ये कम लग रहा था मुझे, तो मैं इसमें और बेसन ऐड करूँगी और उसे फिर मिक्स करूँगी। साथ ही थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे ताकि हमारा मिक्सचर बनता जाए, अच्छे से तैयार होता जाए। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला मिक्सचर ना हो जाए। हमें ना ज़्यादा पतला चाहिए ना बहुत सख्त चाहिए, प्लेन सा अच्छा रनिंग सा हो लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और बहुत पतला भी ना हो। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया है। इसी तरह से आपने बेसन और पानी ऐड करते जाना है, मिक्स करते जाना है अच्छी तरह से जब तक कि आपका एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी ना हो जाए। लेकिन मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको फिर दोबारा से अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। तो ये हमारा वेजिटेबल पकौड़ा की यम्मी सी रेसिपी हमारे लिए, आपने जरूर ट्राई करनी है। मेरे घर में यही रेसिपी फॉलो की जाती है, यही मैं बनाती हूँ मेरे बच्चों को, सबको बहुत अच्छे लगते हैं वाले पकौड़े। वेज पकौड़ा वैसे भी अच्छे भी होते हैं बच्चों के लिए, थोड़ी सी खाने के अच्छे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। ये देखिए मैंने सारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इसको और ये हमारा मिक्सचर जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम ट्राई कर लें। पकौड़े बना रहे हैं या फिर पक्के नहीं है, तो पकेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। ये पकौड़े हैं, ये मल रहे हैं। देखिए पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, बहुत टेस्टी बहुत मजे के बने थे। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इसके बाद हम लोग आउटिंग के लिए बाहर गए। वाकई एक्चुअली हम लोग ये कुछ काम था, कुछ शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी थी, ग्रॉसरी करनी थी, तो इसके लिए हम लोग गए बाहर। तो आप देखें कि कितना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है और जब बारिश होती है तो फिर आपको पता है पौधे फूल दरख्त सब कितने अच्छे हो जाते हैं, निखर जाते हैं बिल्कुल, और एक अलग ही मंजर होता है। तो बहुत खूबसूरत इस तरह से व्यू आते हैं, इतना अच्छा लग रहा है, बादल है, बारिश है, हमने तो बहुत इंजॉय किया, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं असलम मार्केट की तरफ, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम था। तो ये देखे मन भी बहुत खुश होती है जब बाहर आकर भी जाती है, इंजॉय करती है। यहाँ पे हम लोग देखे हुए थे असलम मार्केट में, तो बाबा वहाँ गए थे किस काम से, तो हम लोग बैठे थे, मुझे अपडेट कर रही थी, देख रही थी कि वो लोग कहाँ गया। उसके बाद हम लोग स्टाइलों पर गए, वहाँ पे ड्रेस देख के मैंने कुछ जो बहुत अच्छी लगी और डिस्काउंट भी चल रहा था, उनका सेल चल रही थी। तो आप जरूर जाइए अगर आपके पास कुछ ट्राइल हैं तो। और ये जो ड्रेस है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका कलर बहुत अच्छा था, बहुत प्यारी ड्रेस होने वाली, मुझे बहुत अच्छी पसंद आई थी। और हमेशा भी अपने लिए देख रही थी ड्रेस, ये वाली जो शर्ट है ये मुझे आपको बहुत अच्छी लगी ना, थोड़ी सी डिफरेंट थी, फ्रेंड्स के साथ टाइप की ताली अच्छी लगती है।
आप इसकी डिजाइन देख लें, आजकल ये बहुत इन है डिजाइनिंग, तो आप ये अपने बेबी के लिए बना सकती हैं। और ये सारे इस तरह से टीन एज गर्ल्स के लिए सारे ड्रेसेस थे, और इसके स्लीव का डिजाइन देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये न्यू फैशन आई न्यू ट्रेंड समझ रहे हैं आप इस तरह से शर्ट सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद बस हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करके अब हम घर से वापस जा रहे हैं। तो आज बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, समोसे वगैरह खाए हमने, बारिश के मौसम बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।